नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के ऊपर 5 दिन में 4 FIR दर्ज की गई है। लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों को लेकर पीसीसी चीफ ने पलटवार किया। जीतू पटवारी ने अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में कहा कि मैं लगातार प्रदेश की जनता के सामने मध्य प्रदेश की स्थिति बताने की कोशिश कर रहा हूं। पटवारी ने कहा, मध्य प्रदेश में 3C का राज है, कर्ज, क्राइम और करप्शन का राज है। मुख्यमंत्री से कहता हूं कि बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं तो वह मुझसे नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि जीतू पटवारी के ओबीसी के मुख्यमंत्री पर हमला करता है। मैं भी ओबीसी का हूं। पटवारी ने कहा कि विपक्षी पार्टी में रहकर अपने लोकतंत्र की सेवा कर रहा हूं, इसलिए मुख्यमंत्री से सवाल करना हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री जी, आपको बताना पड़ेगा कि बहनों की असमत लगातार क्यों लूटी जा रही है, क्यों मध्य प्रदेश ने 30 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब एसआई की जिस तरह से हत्या हुई, यह क्या बताता है? क्या यह कानून है? जबलपुर में लूट हो रही है, ग्वालियर में लूट हो रही है, उज्जैन में जहां से आप खुद आते हैं वहां 19 बच्चों के साथ अनाचार हो गया। पीसीसी चीफ ने कहा कि अब आरबीआई ने कह दिया कि मध्य प्रदेश को कर्ज नहीं देंगे क्योंकि आपकी कर्ज की सीमा समाप्त हो गई। जो बात मैं कह रहा था वही बात प्रदेश की सरकार ने कही। मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप गृह मंत्री भी हैं, आपके राज्य में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। मैं लगातार प्रदेश की जनता के सामने मध्य प्रदेश की जो वस्तु स्थिति है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में 3C का राज है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। मुख्यमंत्री जी को जब मैं कहता हूँ कि बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं तो वो मुझसे नाराज होते हैं और कहते हैं कि जीतू पटवारी एक ओबीसी के मुख्यमंत्री पर हमला कर रहा है। मैं भी ओबीसी का हूँ पर मैं विपक्ष की पटरी पर रहकर लोकतंत्र की सेवा हमारी पार्टी कर रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी से सवाल जवाब करना हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री जी, आपको बताना पड़ेगा कि क्यों लगातार बहनों की असमत लूटी जा रही है, क्या कारण है कि मध्य प्रदेश क्राइम में 30 साल के सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। अभी आज ही एक एसआई पे जिस तरीके की हत्या हुई, ये क्या बताता है शेड्यूल में? ये कानून है आपके प्रदेश का? क्या लॉजिक है कि जबलपुर में लूट हो रही है, ग्वालियर में लूट हो रही है? क्या लॉजिक है कि उज्जैन में क्राइम, जहाँ आप खुद हैं वहाँ पर 19 बच्चों के साथ अत्याचार अनाचार हो गया? जब मैं ये सवाल आपसे करता हूँ कि आपने 5 गारंटियाँ दी थी नरेंद्र मोदी जी ने अभी 23 के चुनाव में, गेहूँ के किसानों के, धान के किसानों के धाम क्यों नहीं दे रहे हो आप? 3,000 रुपये बहनों के क्यों नहीं दे रहे हो आप? मैं आपसे सवाल करता था कि कर्ज रोज लेते हो, अब तो आरबीआई ने, देश की सरकार ने कहा कि अब कर्ज नहीं देंगे आपको, इसलिए कि आपकी सीमा समाप्त हो गई, उसके बाद भी आप ले रहे हो। मतलब जो मैं कह रहा था वही बात देश की सरकार ने कही, उसके बाद भी आप नाराज होते हो, कहते हो ओबीसी का मुख्यमंत्री हूँ, उस पर हमले हो रहे हैं। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में आप गृह मंत्री भी हैं, लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है और जो क्राइम बढ़ रहा है उसके लिए अगर कोई दोषी हो तो आप हो, और मैं सवाल उठाता हूं तो मुझ पर FIR करवाते हो, तो मैं इन FIRों से कांग्रेस पार्टी का कोई साथी विचलित नहीं हो सकता। जरूर हम अपनी बात कहते रहेंगे, अपनी बात करते रहेंगे और लगातार प्रदेश के हित की भावना को, जो हमें दायित्व मिला है उसकी बात पर अपने दायित्व को निभाते रहे। धन्यवाद। खबर समय जगत के संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।